ये पता नहीं क्या से क्या। तो आज आप इससे उन्हें कार्यों को इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए आज सभी यहां पर पहुंचे हैं। आप सभी का स्वागत। अभी हमारे बीच में जगाईपुरा धन से बहन कमला जी पहुंच चुकी है और अब यज्ञ का कार्यक्रम अभी आपके बीच में आरंभ किया जा रहा है। हमारी बड़ी मान है बड़ा सम्मान स्वागत किया, बहुत अच्छे दर्शन किया और बच्चों के लिए जो थे इन्होंने अपने पुख्ता भर के और सारा बच्चों के बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। सिर्फ 30 मिनट ओनली हवन की होंगी हमारी। 30 मिनट के अंदर हवन यज्ञ प्रार्थना आदि सब करेंगे। 50 मिनट के हम यज्ञ का स्नातन आगे बिताएंगे। चलिए यजमान सर गए हैं शुरू करो। सभी बच्चे पर हाथ जोड़ करके तन्मयता से एकाग्रचित होकर यज्ञ प्रारंभ कर दें। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देवसावितर्भूतानि परासुर यद्भद्रं तन्निहासुः। परमात्मा से ध्यान लगाओ। परमात्मा ने भगवान हमें बुद्धि दी, जिसके पास बुद्धि है वो दुनिया में राज करते हैं। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः भूमनाम पटवी वगरुनाम तस्याते पृथ्वी देव यजनि प्रतिजनन्या जनन्या जायादधि। ओम अयं ते ब्रह्मात्मा जात वेद तेने दसुरदसु चेदरदय चास्नान प्रजया पशुदुर्गनवर्चसे नानादेन समेधये। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति ज्योति आवाज ज्योति। ओम ज्योति ज्योति सूर्य ज्योति ज्योति कहते बोले भाई सामग्री थोड़ी डालो क्योंकि हम सामग्री डालने वाले ज्यादा और बल का मोटा डाल आगे डबरी दमने के बाद बोले भाई सामग्री कम डालो हम ना माने को। माता जी बैठे बोले महाराज हम दाओ वतन अन्य देखो अभी बात को कर लेगा कौन। इसलिए थोड़ी सामग्री डालो जिसके आगे दबे नहीं, बस इसके आगे कुछ नहीं। ये खराब है सामग्री को लड़ाई करवाती है, लड़ाई करवाती है। तुम इस पर ध्यान क्यों देते हो? ये भी तो ध्यान दो। अध्यापक पढ़ाता है तो बच्चा कौन जिसकी अध्ययन बन जाता है, बच्चे कृष्ण मुनि से पढ़ाया बात और कब बोल रस्ता बोल जाता है तो रस्ता नहीं इससे बताया जाता है, उनसे क्यों देखा करो। इसलिए अपने कभी भी गुण नहीं देखने चाहिए, दूसरों के कभी दोस्त नहीं देखने चाहिए। इसलिए बच्चा पास उंगली लगाओ, परमात्मा से प्रार्थना करो भगवान मेरी पास तो उंगली ठीक रखना, कभी कमजोर पड़ जाए कोई लगाओ बाबा पास उंगली। हाँ ये बात। ओम स्वस्ति पंथा मंत्रे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वंदनाद्वृत्तेर मोक्षे यमावृतात्। सर्वस्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो येन प्रचोदयात्। यानि देव सवितुर्भूतानि परासुर यद्भद्रं तन्नयास्ये। ओम विश्वानि देव सवितर भूतानि परासुर यद्भद्रं तन्नयास्ये। ओम अग्नेय शुभता राय अस्मान विश्वानि देव विमानि विद्वान् भूयो तस्मद् हुरान् अनेनो भूष्ठान्ते नमे उक्तिं विधेमे। ओम वेदाहमे तपोसं महान्तम् आदित्यवर्णं तं सप्रस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युवेति नान्यपद्यादि गत्यानाय स्वाहा ततो न प्रचोदयात्। सर्वं वै पूर्णम्
इज्जत की भाषा में है। तो आज सभी जो हमने आहुति डाली है उनका हिंदी में अनुवाद है जो संस्कृत के मंत्र बोले हैं। बोलेंगे जोर से, बोलो हे यजमाने, रुको 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 रुको, हे यजमाने तुम वर्चस्वी तेजस्वी यशस्वी श्रीमान वया सफला संतु यजमानानां कामः सफला संतु यजमानानां भावः। चलो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। योगा से जागा सारा संसार है, योगा से जागा सारा संसार है। हो स्वच्छ मन रहे स्वस्थ तन, हर सांस में हो नई उमंग, ऐसा हो बस जीने का ढंग, झूले जो हम उड़कर गगन। योगा से जागा हम लड़ते रहे हर रोज योग करते रहे। ये ऊर्जा है एक जीत की, इसमें शांति संगीत की। शांति है ये एक साधना है, प्रेम की आराधना। निर्मल हो अंतर आत्मा, मिल जाएगा परमात्मा। यही जीवन का एक सार है, योगा से जागा संसार है। बढ़ते रहो योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। हिम्मत से अब हम है चले, धरती हिले कदमों तले।
बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। करते रहे ये ऊर्जा है एक जीत की, इसमें शांति संगीत की शक्ति है, ये एक साधना है प्रेम की आराधना, निर्मल हो अंतर आत्मा, मिल जाएगा परमात्मा, यही जीवन का एक सार है, योगा से जागा संसार है, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। सारा
और बिना गुरु के सानिध्य में सब अभ्यास किया लगभग 10 साल। अब थोड़े आसन कम हो गए, अन्यथा स्ट्रेचिंग करना, हाथों पर काफी दूरी पर चलना, चक्रासन में काफी दूरी तक चलना और भी कई आसन एडवांस होते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए जीवन में, क्योंकि कई बार गलत आसन करने से उसके साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं। तो ठीक विधि से, यानी मेथड आपका ठीक हो, टाइमिंग ठीक हो, कंसंट्रेशन हो, कंटिन्यूटी हो, तो आपको फायदा मिलेगा। आपका आहार कैसा हो, आपकी दिनचर्या कैसी हो, अन्यथा बॉडी पर बहुत बुरे इफेक्ट पड़ते हैं अगर गलत ढंग से आसन करोगे। आसन करने से आपका मन कंसंट्रेट होता है, आप गलत कार्य नहीं करेंगे जीवन में। और साथ में अगर प्राणायाम की साथ लेते हैं छोटी उम्र में, तो आप बहुत ही बुद्धिजीवी होंगे। यानी जो बच्चे 2 घंटे के कोई लेसन याद करते हैं या कोई क्वेश्चन याद करते हैं, तो अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आप एक बार दोहराए में उस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। हालांकि मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रहा है, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया स्कूल में काफी शाम, तो बच्चों को योग भी सिखाया 8-10 साल और मैथमेटिक्स भी मेरा रहा है, तो मुझे बच्चों से काफी लगाव रहा है बचपन से ही। और आज भी जहाँ हमारा गांव है वहां पर क्लास चलती है 50 बच्चों की, तो वो रूटीन बन गया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी शास्त्री जी अपने गांव में क्लास चलाते हैं, आचार्य जी के आश्रम में भी लगभग 50 लोग नियमित सुबह, बड़ी उम्र के व्यक्ति, महिलाएं, बीच में पर्दा लगा के एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष, और शाम के समय 5 से 7 बजे तक लगभग इतने बच्चे बैठे हैं, 50-60 बच्चे शाम को अभ्यास करते हैं। मुझे लगता है कि रेवाड़ी में ऐसा पहला गांव होगा जिसमें दोनों टाइम कक्षा चलती है और इतने 50+ उसमें योगार्थी होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बड़े बच्चों को योग की ज्यादा जरूरत नहीं, पहले छोटे बच्चों को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि छोटे बच्चे आजकल स्ट्रेस में तनाव में रहने लगे हैं। तो इसलिए बच्चों को अगर योग ठीक ढंग से कराया जाएगा, उनको चाहे प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से न कराएं, लेकिन बच्चों के संस्कार पैदा हो जाएंगे, उसका स्टैमिना बढ़ जाएगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बच्चा कहीं मार नहीं खाएगा और वो बच्चा सबसे अलग दिखेगा, बुद्धिजीवी रहेगा और वो बच्चा हर खेल में आगे रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जिन बच्चों को मैं योग कराता था वो बच्चे स्पैट में आगे रहते थे, फुटबॉल में आगे रहते थे, वॉलीबॉल में आगे रहते थे, कुश्ती में आगे रहते थे, कबड्डी में आगे रहते थे। योग करने वाला बच्चा ऑलराउंडर होता है, वो पढ़ाई में भी अव्वल रहता है, खेलने भी अव्वल रहता है। आप सब अव्वल रहना चाहते हैं पढ़ाई में? कितने उम्र में रहना चाहते हैं? प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो चीज योग से उत्पन्न होगी आपके अंदर। तुझको बेहतर बनाने की कोशिश में तुझको ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं, माफ करना है जिंदगी, तुझको ही ठीक से जी नहीं पा रहे हैं। खुद से ज्यादा संभाल के रखता हूं मोबाइल अपना, क्योंकि अब सारे रिश्ते सिम में कैद हैं, अब जमाना ऐसा है कि सारे रिश्ते मोबाइल में कैद हैं। और मैं आचार्य श्री के लिए बोलना चाहता हूं कि फकीरी मिजाज है मेरा, दोनों तरफ मेरे आचार्य पूज्य गुरु जी बैठे हैं, कि दोनों कहते हैं कि फकीरी मिजाज है मेरा, मैं अपना अंदाज औरों से भी जाते हैं, मैं अपने दिल में दुरा रखता हूं, मैं अपने दिल में दुरा रखता हूं, जिसे मैं निभा सकूं ऐसा कोई वादा नहीं करता, बातें मैं अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता आसमान छू लेने की, लेकिन कभी किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता, कभी किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। ऐसे महापुरुषों के विचार होते हैं, ऐसे दिल की वाणियां उनकी होती है, वो सबके कल्याण में ही अपना कल्याण समझते हैं। इसलिए तो हमारे देश में कहा गया संस्कृत में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे उद्धार पश्यन्तु मा कश्चिदु भाग् भवेत्, कि सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी का कल्याण हो। तो स्कूल में योग शिक्षक जरूर होना चाहिए, जिस तरह मुझे शिक्षक होता है, जिस तरह से डिग्री टीचर होते हैं, ऐसे योग्य अनुभवी योग शिक्षक जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार। प्यारे बच्चों और पूजनीय आचार्य जी, आप लोगों ने जो ये योग शिविर किया है, इसका मैं बहुत पूरे गांव की तरफ से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। बच्चों में इस तरह की आदत डालना कि भाई उन्हें योग के प्रति प्रेरित करना, ये स्कूल के प्रांगण के अंदर जो मैडम सरोजी ने भी करवाया है, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस तरह के प्रोग्राम अगर गांव में होते रहेंगे तो बच्चों को
एक अच्छा संस्कार मिलने की कोशिश होगी। इसी की तरफ से मैं गांव के लोगों को धन्यवाद करता हूँ।